किसने मारा? या मारा। अब पता नहीं कौन पता मेरे को तेरे को मारा। अरे तू बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? बोल किसे मारा साले की खाल उधेड़ देंगे। बोल अबे नाम तो बता। मामा तुम सबकी तंगड़ी कबाब बनाने वाला है। जब तक तुम उसका पैसा वापस नहीं कर देते तब तक मैं घर वापस नहीं जा सकता। अबे नहीं करते मतलब क्या बे? जैसे हम पैसों के अंडे पे बैठ के उसे उबा रहे हैं। बात करता है कमीना। मेरे नीचे क्या आग लगी हुई है पता है? वो राक्षस दवा खाने ले गया था मुझे। अबे तो वो तो अच्छी बात है ना। ये तो अच्छी बात है ना। अबे काटना मत। मेरी किडनी बेचने निकला था वो। निकाल ली वो तो पीठ दिखा के मैं भाग गया। अब देखना साला तुम्हारे आंख कान नाक नाखून सब कुछ उखाड़ के अपनी खाली दुकान फुटकर के भावना बेचे तो तुम लोग देखना। ऐसे मत बैठो मेरा दिल बैठा जा रहा है। कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। इसका उससे क्या लेना देना? अबे तू बोला ना कुछ बोलो तो बोल दिया। और भी कुछ बोलू? मार डालूंगा साले। मरेगा मार डालूंगा तुझे हरामखोर। मेरे ही कंधे पे बैठ के मेरा ही काट काटता है। अरे रुक। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? आओ गौरव। अरे सच सच बताओ ये रोज कौन है? कौन रोज नहीं बताएगा? से लाया सड़क की भिखारन से थोड़ा पड़ा है तुझे। मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा है तू? झूठ साला से खुद बता। उसके पीछे तू है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? बताया मुझे। वो मैंने बताया था आपको। तुम्हें कैसे पता? एक ही गैंग के हो क्या दोनों? मैं मेरा क्या? आप ही जोर दे के पूछ रहे थे तेरे पीछे कौन है तेरे पीछे कौन है। क्या घर पे फोन तुमने किया था? हाँ फोन मैंने किया था बेबी फूड के लिए। और आप तो बस बरस पड़े। और हाँ आप रोज की बात कर रहे हो ना, उसने एक खत भेजा है आपके लिए, वहाँ पर रखा है। मर कहाँ है? जवाब चाहिए ना? अभी देता हूँ। मनु को कैबिन में भेजना। आजा रे आजा आजा। चल माफ कर दो। पहले कुत्ते की मौत मारो फिर चंदन में घी डाल के जलाओ। अरे छोड़ ना यार, गलत फहमी हो गई थी। ऐसा होता है यार दोस्ती यारी में। चल दो चार गाली दे। क्यों किसे? बोलना यार कुछ काम है। अभी? हाँ, और इतनी गंदी गंदी गालियां कि सुनने वाला उल्टी करता रहे। कल्ला इसकी अच्छी थी मौत। लगा के तुझे अड़चड़ की जाते हैं। मैं पूरे छोड़े अंदर अंदर करते हैं जिसकी बहन का पूछे। नहीं है? नहीं। तुझे नहीं लगता कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है? हर गाली एक ही स्टैंडर्ड की होती है। अभी तुझे एक और काम करना होगा मेरे लिए। ये जो खत मैं लिखने वाला हूँ तुझे उसे इस एड्रेस पे पहुंचाना होगा। और वहां से जवाब चाहिए मुझे। थोड़ी देर रुकने के लिए बोलेंगे ना तो रुको, लेकिन जवाब चाहिए मुझे। हाँ ठीक है। अरे ये तो शॉप की छोटी लमलक की गोली है। पता हाँ यही। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? नमस्कार। हाँ जी। चिट्ठी है आपके लिए। लगता है गौरव ने भेजा है। जवाब अभी हाथों हाथ चाहिए। इसके बगैर मैं पेन नहीं लाऊंगा। दो मिनट रुकिए, हाथों हाथ जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। वो अंदर क्यों गई? लंगूर को लस्सी वस्सी पिलाएगी क्या? हेलो पुलिस स्टेशन। क्या खूब ना मदारियां डमरू, लेकिन लंगूर कैसे तुम हिला हिला के नाच रहा है। अब तो देख
कैसे मैं उसे चने खिलाती हूँ। नाम क्या है? कौन है बे? अकल का पुतला, काट का उल्लू, जबान का कीड़ा है? नमस्ते साहब। जो गंदी गंदी गालियों का गाली पत्र लिखता है, वो भी शरीफ औरतों को? यही है वो बदमाश, और ये रही चिट्ठी। अरे मैं इश साले चींटी के चचेरे भाई, औकात भूल गया, ऊंट की गर्दन खुजाएगा तेरी। मैं उनमें से नहीं हूँ। तो बनवा दू ये? पकड़ो पकड़ो बोने को। बाप रे बाप, लगता है पानी नाक तक चढ़ा है। हाँ तो आने देना, देखते हैं डमरू की जान कब निकलती है। चलो चलो। हेलो गौरव। मैं भवानी भागमार, पुलिस थाने से। अब क्या हुआ? फौरन चले आओ, अभी के अभी। कोई प्रॉब्लम है? अरे बोला ना, अभी के अभी बस। ये टपका तो समझ, तू भी टपका। यहाँ से तेरी लाश जाएगी, लाश समझा क्या? तू ये यहाँ कैसे आया? ओ, तो तुम इसे जानते हो? नहीं, मेरा मतलब हाँ, ये मेरे शॉपिंग मॉल में काम करता है। हुआ क्या दीदी? हुआ क्या? तुझे पता है इस लिच्चन ने कितना घिनौना काम किया है? शरीफ घर की औरतों को गंदी गंदी गालियों भरी चिट्ठी दी है इसने। कमजार कमीना, हमें झुका रहे, हिलना नहीं। अच्छा, और इतनी मोटी मोटी गंदी गालियां के बोलने में पुलिस तक शर्मा जाए। और जब मैंने पूछा तो कुत्ता बोलता है चिट्ठी बॉस ने दी थी। मैंने कब? तुमने गटर बंद कर, चुप चुप, गद्दे के कपास की तरह ढूंढ दूं तुझे। पर दीदी दीदी एक मिनट खड़े रहा भाई। पर एक सच बात बोलूं, असल में इसको एक बीमारी है। तो जन्म घुट्टी पिला दूं, दो घूंट मुंह के अंदर और जान पीछे के नीचे से बाहर। इधर आ। एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती, तेरा पड़ोसी, तेरा बावर्ची, तेरा नौकर, सब साले औरतों के पीछे छुट्टे सांड है क्या? हैं? नहीं, दरअसल इसकी माँ पड़ोसी के साथ भाग गई थी, तब से इसका ये हाल है। मेरी तेरी माँ की बात ना करे, वरना ज़बान खींचकर बाहर फेंक दूँगी। हाँ। दीदी प्लीज, ये बेचारा कुछ समय तक पागलखाने में था, हम स्कूल में साथ थे इसलिए काम पे रख दिया, वरना आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। हिले, अगर मैंने सुना ना कि तूने औरत क्या औरत के पुतले की तरफ भी आंख उठाकर देखा है ना, तो मैं तेरी आंखों में सुलाखें घुसा दूंगी। निकल ले। अरे बेवकूफ, मेरी इज्जत का फलूदा बनाया तूने। मैंने? तुमने जो खत के ऊपर पता लिखा था ठीक वही जगह पे गया था मैं। और खत के ऊपर मैंने फुटबॉल जैसे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा था रोज। अरे खत देने से पहले पूछना तो चाहिए था कि वो रोज है या कोई चमेली। नहीं, अरे तू जैसे बेवकूफ को भेजने के लिए मेरे मुंह पे चप्पल मारती। साले माइकल दादा, तूने यहाँ अपना नंबर छोड़ा और हमें फोन करने को बोला, वरना तुम हमारे कफन से लाओगे। हाँ, तेरे भाई ने हमारे हाथ की गर्मी देखी है, अब तेरी बारी है। और साले, अगर एक बाप का है ना तो तेरा मील वाले पेट्रोल पंप पे आ जा, तेरा दूसरा बाप वहाँ पे। सुनो, साथ में कफन ले आना, हमारे काम आएगा। साले तेरी लाश को ढकना तो पड़ेगा ना। मुझे भी दे। डाल, पैसा डाल। हेलो, हाँ मामू है। हाँ पता है कौन है फोन पे? तेरा कॉल है, नौकरी गई ना, अब तू तेरे पैर भी कमाएगा। साले क्या सोचता है तू अपने बारे में रे हरामी है? साले रिश्वत खाका के पैसा कमाया है, साले तू मरेगा नहीं, तू सड़ेगा है। सुना है तुझे एक खच्चर की तलाश है, तू साले मेरे पास आना तो तुझे कानी कान ऐसा बजाऊंगा कि साले तू बहरा हो जाएगा। मैं कहा हूं, अगर हिम्मत है तो तेरा मील वाले पेट्रोल पंप पे आ जा, मैं और मेरे लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। है साले, तुझे जला के तेरी राख से कल सुबह तक दांत साफ नहीं किए तो तू देखना। तेरी माँ का नाका मामा।